हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड इट्स एसोसिएटेड एसेसरी ऑर्गन्स दैट ब्रेक डाउन फूड इंटू स्मॉलर कंपोनेंट्स सो दैट न्यूट्रिएंट्स कैन बी एब्जॉर्ब सो दैट न्यूट्रिएंट्स कैन बी एब्जॉर्ब। इसका मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं, जीआई ऑर्गन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसेसरी ऑर्गन एंड एसेसरी ऑर्गन जे ट्रैक में क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, इसोफेगस हो जाएगा, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या हो जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये हो गया। एसेसरी ऑर्गन्स में क्या हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया एंड पैनक्रियास। दीज आर द एसेसरी ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन्स। फिर इसके बाद क्या होता है, उसको स्मॉल डाउन करते हैं। ये क्या करता है, स्मॉल डाउन करता है, मतलब जो भी खाना खाए हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद आगे क्या करता है, वो आगे ट्रांसमिट करता है। तो आगे जब ट्रांसफर करेगा तो जो एसेसरी ऑर्गन्स रहेगा तो उसको डिजोल्व करेगा। डिजोल्व करने के बाद उसमें जो भी बैक्टीरिया रहेगा उसको किल करेगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन करता है। वो कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, एसेसरी ऑर्गन्स। पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर हम लोग फिर एक एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक एक को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हम जब खाना खाते हैं तो अंदर कितना प्रोसेस होता है, अंदर के कितना प्रोसेस होता है, ये अगर आप देखेंगे तो। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की दर खत्म होता है। फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये हल्का सा क्या होता है, ब्रॉड रहता है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके हम लोग एक बार लेबलिंग कर लेते हैं। क्या हो गया, नोज लेबलिंग हम लोग दूसरे तरफ से करते हैं। ये हो गया नोज, ये माउथ, इधर रहता है एपिग्लॉटिस। क्या रहता है, एपिग्लॉटिस, जिसको वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको मत लिखो। के बाद इसको बोलते हैं इसोफेगस, इसको
बोलते हैं स्टमक, ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, दी स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस वन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन, क्या बोलते हैं, कोलोन। एंड फिर इसका नाम है रेक्टम, हल्का से क्या रहता है, ब्रॉड रहता है। एंड फाइनली एनस, इतना क्लियर। तो हम लोग एक एक चीज को देखते रहते हैं क्या क्या है। जो नोज रहता है वो तो इन्वॉल्व नहीं रहता इसमें, तो इसके लिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे। हम लोग पाला, पाला हमारा क्या है, पाला माउथ है, तो माउथ को देखते हैं क्या है, माउथ। माउथ में क्या होता है कि माउथ से हम लोग खाना खाए, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किधर से होता है, माउथ से। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद जैसे ही इधर जाते या इधर जाता अंदर, तो ये जो टीथ रहते हैं, ये जो टीथ रहते हैं, टीथ क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करते हैं। ब्रेक डाउन फूड करने के बाद इधर टंग रहता है, इधर टंग रहेगा, टंग जब रहेगा तो वो क्या कर लेगा कि वो प्रेस करेगा नीचे, पुश करेगा आगे, पुश करेगा आगे, तो वो क्या करेगा, इधर आएगा, इधर किधर पास होगा, ईसोफेगस के इधर, ईसोफेगस के इधर पास होगा। तो ईसोफेगस के इधर दो पाइप रहती है, दो पाइप रहती है, दो पाइप रहती है, एक का नाम रहता है फेरिंग्स और दूसरा ये कौन सा, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस और इसके लिए है ये, और इधर ना, इधर इधर जो रहता है ये ट्रैकिया पुराया रहता है, क्या रहता है, ट्रैकिया। वो कैसे वाइंड पाइप रहती है, जिसको जिसका काम क्या होता है कि आगे, इसका काम क्या क्या रहता है कि एयर को पास करना अंदर लंग्स के लिए। तो लेकिन इधर कौन सी, हम लोग को किधर खाना भेजना है, ईसोफेगस में। तो इधर क्या, एपिग्लॉटिस रहता है, तो एपिग्लॉटिस रहता है, एपिग्लॉटिस प्रोटेक्ट करता है कि ये ट्रैकिया में ना चले जाए, ये ट्रैकिया में ना चले जाए। इसके लिए क्या होता है, इधर एपिग्लॉटिस रहता है। तो जब भी खाना आएगा तो क्या करेगा, इधर से ये बंद कर देगा, इधर से ऐसे इस साइज में रहता है, इधर से ये बंद कर देगा। तो ये वाला जो पार्ट अगर ट्रैकिया का है तो इधर से ये पास नहीं होता, ये क्या करता है फिर ईसोफेगस में जो फूड रहता है वो इंटर करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो ट्रैकिया में इंटर करेगा, तो ट्रैकिया में इंटर करते ही, ट्रैकिया में इंटर करते ही हमको क्या आने लगती है, हिचकी आने लगती है। तो खाना खाते टाइम देखो हिचकी आने लगती है, जैसे हिचकी आने लगेगी तो वो फिर रिवर्स होके क्या करता है, माउथ में चला जाता है, क्या करता है, माउथ में चला जाता है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि ट्रैकिया में ना चले जाए और ईसोफेगस में फूड जो रहे वो पास हो। इसके लिए क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस रहता है, एपिग्लॉटिस रहता है। और जो ईसोफेगस रहता है, ईसोफेगस किसको कनेक्ट करता है, ईसोफेगस माउथ से स्टार्ट होता है और स्टमक तक रहता है, किधर तक रहता है, स्टमक तक रहता है। यहां से फूड पास हुआ, यहां से जैसे ही ईसोफेगस में, जैसे ही ईसोफेगस में आता है तो उस टाइम पे जब खाना आएगा तो कौन से फॉर्म में आता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। कौन सा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या करता है कि जैसे ही खाना खाएंगे, जैसे आप इमेजिन करो कि कोलगेट है, कोलगेट से जब कोलगेट निकालते हैं तो उसको एक साइड से प्रेस करते हैं तो दूसरे साइड से वो निकलता है, दूसरे साइड से निकलता है, अचानक से नहीं निकल जाता। मतलब अगर इधर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या होता है कि अगर खाना खा रहे,
खाना खाए, ये तुरंत अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, खाना जैसे खाएंगे ये सीधा स्टमक में चला जाएगा, क्या करेगा तो तुरंत धम से ऐसा आके स्टमक में गिर जाएगा। इसके लिए ऐसा सडन पूरा नीचे ना आए, इसके लिए इसके अंदर क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे खाना पास होता है, क्या होता है धीरे धीरे खाना पास होता है। किस कैसे पास होता है कि जैसे ही अंदर आएगा तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये थोड़ा सा अंदर चला जाएगा और ये वाला पार्ट थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। तो ये यहाँ जो खाना था वो प्रेस होकर कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर ये वाला क्या करेगा, ऐसे सिकुड़ेगा, तो ये वाला खाना ऐसे आ जाएगा। फिर ये वाला जो फूड रहेगा वो क्या करेगा, प्रेस होकर यहाँ ऐसे ऐसे क्या करता है, ऐसे ऐसे प्रेस होते होते पूरे धीरे धीरे आता है। मतलब अच्छे इमेजिन करो, कोई एक पाइप है, ऐसे पाइप में अगर कोई चीज अंदर है तो मैं एक साइड से दबाऊंगा थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा आगे और दबाऊंगा थोड़ा सा आगे जाएगा, पूरा उसको प्रेस करूंगा आगे चला जाएगा, फिर ऐसा प्रेस करूंगा तो वो आगे बढ़ते चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जैसे आगे आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यहां से पूरा आके कहाँ जाएगा, इधर स्टमक, किधर आ जाएगा, स्टमक, स्टमक में आएगा। स्टमक में क्या क्या होता है कि स्टमक में आने के बाद इधर तो ब्रेक डाउन हुआ है, फूड का ब्रेक डाउन हुआ है, इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस इसको देखो ये रिटर्न रिटर्न ना जाए, इसके लिए क्या होता है, इधर ना एक वॉल जैसा रहता है, क्या रहता है, एक वॉल जैसा रहता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक वॉल भी बोलते हैं, कार्डियक वॉल भी बोलते हैं। एक सेकेंड, कार्डियक वॉल बोलते हैं। और इसका ना तीन पार्ट रहता है, जो स्टमक रहता है तीन पार्ट में रहता है, तीन पार्ट में रहता है। ये वाला जो पार्ट रहता है ना, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, इसको बोलते हैं कार्डिया, इसको क्या बोलते हैं, कार्डिया, कार्डियक नहीं, इसको कार्डिया बोलते हैं, क्योंकि इसका इसका नाम कार्डिया, कार्डिया कैसे पड़ा है, क्योंकि ये इधर से ही हार्ट क्या रहता है, इसको अटैच रहता है, हार्ट क्या रहता है, इधर से अटैच रहता है, इसके लिए ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डिया। क्लियर। फिर ये वाला जो पार्ट रहता है, फिर ये वाला जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं फंडस, और ये वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, एंड दिस वन इज नोन एज पाइलोरस, पाइलोरस। क्लियर। ये पाइलोरस है। अभी यहां से खाना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू यहां आया, यहां आने के बाद यहाँ 4 घंटे तक खाना क्या होता है, यहाँ पड़ा रहता है, यहाँ पड़ा रहता है। तो यहाँ आने के बाद ही, यहाँ जब जैसे खाना आएगा उसके बाद क्या होगा कि इधर जो भी एसिड रहेगा, इधर क्या होता है, ये पूरा एसिडिक मीडियम में रहता है, क्या होता है, एसिडिक मीडियम में रहता है। तो जो भी कुछ बैक्टीरिया ये सलाइवा में, जो भी सलाइवा में कुछ बैक्टीरिया रहेंगे, जो बैक्टीरिया जो 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 बैक्टीरिया अगर फूड में रहेंगे तो सलाइवा में थोड़े मर जाएंगे, वो जो बाकी रहेंगे वो कैसे मरेंगे, इसमें गैस्ट्रिक जूस में जो HCl पूरा भरा रहता है। ये 4 घंटे तक यहाँ आएगा, 4 घंटे में आने के बाद समझो ये खाना है, इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा, इतना छोटा छोटा हो जाएगा, फिर से इसका ब्रेकडाउन इतना छोटा छोटा हो जाएगा, फिर से इसका ब्रेकडाउन क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन नॉर्मली एकदम छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है, हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में हो जाएगा। होने के बाद ये क्या करेगा, आगे फिर पास करेगा, आगे फिर पास करेगा। पास करने के बाद क्या होता है कि ये आ जाएगा बॉडी में, बॉडी में आने के बाद ये लगभग 12 से 14 घंटे तक इसके अंदर ही रहता है, 12 से 14 घंटे के अंदर, 12 इसमें बॉडी में रहेगा, और फंडस में 4 घंटे तक रहेगा। फिर उसके बाद पाइलोरस में आएगा, पाइलोरस में आने के बाद फिर ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चालू कर देगा। यहाँ से खाना आया कहाँ गया, फंडस में 4 घंटा रहा, उसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर इधर इधर भी उसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद बॉडी का इधर से फिर कहाँ आया, पाइलोरस में आने के बाद इधर ना एक स्फिंक्टर रहता है, क्या रहता है,
इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या करता है, जैसे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में के आगे गया, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे जाएगा तो ये रिटर्न ना आ जाए, रिटर्न ना आ जाए, रिटर्न इसमें ना आ जाए, इसके लिए क्या होता है इधर पाइलोरिक स्फिंक्टर रहता है। क्या रहता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये खाना रिटर्न ना आए इसके लिए ये गेट जैसा काम करता है, गेट जैसा काम करता है। फिर खाना आता है, फिर खाना आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पूरा पार्ट कितना, यहां से लेके यहां तक, यहां तक क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिजियोलॉजी बताऊंगा तो कैसे पूरा डाइजेशन होता है, मैं पूरा उसके बारे में बता दूंगा। अभी सिर्फ एनाटॉमी बता रहा हूँ कि क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं, पहले वो सब देख रहे हैं और पार्ट का नाम कैसे कैसे रहता है। क्लियर, ये हुआ। ये होने के बाद बॉडी में यहां से खाना आया फंडस, फंडस से बॉडी में, बॉडी से पाइलोरस में, पाइलोरस से कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने कितना होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो जो पहला रहेगा, जो जो यहां से यहां तक का पार्ट है, यहां तक का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम फिर यहां से यहां तक का पार्ट क्या है, जेजुइनम और उसके बाद इलियम, उसके बाद क्या है, इलियम। क्लियर, ये क्या है, इसमें कितना रहता है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद अब ये कहां जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहां जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी तीन है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, तीन है। इसको मैंने क्या बोला, कोलोन नाम है। तो ये क्या है, ये ऊपर गया है तो इसके लिए इसका क्या नाम है, असेंडिंग कोलोन। क्या नाम है इसका, असेंडिंग कोलोन। ये ऐसा एकदम प्लेन है, इसके लिए इसका नाम है ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कोलोन एंड इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग कोलोन। फिर उसके बाद यहां से जो फूड है वो कहां जाएगा, रेक्टम में आ जाएगा। रेक्टम में आने का मतलब कि थोड़े टाइम तक जो स्टोर करना है, जो स्टोर रहता है वो किसमें आता है, किसमें आता है, किसमें आता है, रेक्टम में। स्टोरेज बोल सकते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। क्योंकि जो भी था इधर एब्जॉर्प्शन और इसका डाइजेशन पूरा हो चुका है तो जो भी स्टोरेज बचा वो क्या कहा जाएगा, रेक्टम में। फिर ज्यादा जब रेक्टम में उसका कैपेसिटी हो जाएगा तो उसके बाद एनएस के थ्रू क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, एनएस करता है। और भी हम लोग थोड़ा चीजें हैं वो देख लेते हैं। पैनक्रियाज होता है, ये पैनक्रियाज इधर रहता है, इधर क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, इधर क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। और ये पैनक्रियाज है, फिर उसके बाद इसके नीचे ही क्या होता है, फिर ये ना बड़ा सा क्या होता है, लीवर होता है। इसका मैं कलर चेंज करता हूं,
ये क्या होता है, ये लीवर होता है। लीवर क्या है, बहुत सारा फंक्शन है। ये क्या करता है, जो न्यूट्रिशन रहता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो इससे इससे क्या सीक्रेट होता है, लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस, और ये बाइल जूस जाके कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में। ये ब्लैडर में जाके जो बाइल जूस रहता है वो क्या रहता है, उधर ही रहता है। अब जब जरूरत रहती है तब उधर से निकल के गॉल ब्लैडर से आके इधर इधर ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इधर क्या करता है, छोड़ता है। फिर उसके बाद इधर का एब्जॉर्प्शन जो बॉडी में होता है, जो इंटेस्टाइन में होता है, वो होता है। और मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा, बाकी बचता क्या है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये सब सारी चीजें क्या होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर, एनाटॉमी यही है। एनाटॉमी पहले हम लोगों ने क्या देखा, माउथ देखा, दूसरा इसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर पैनक्रियास, फिर लीवर, गॉल ब्लैडर एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर रेक्टम, फिर एनस। क्लियर, माउथ से आता है खाना, इधर ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद इसोफेगस के थ्रू आ जाएगा स्टमक में, स्टमक के कौन से पार्ट में, फंडस में, 4 घंटे तक यहाँ रहेगा, फिर 12 से 14 घंटे तक रहेगा बॉडी में, फिर पाइलोरस में आ जाएगा, फिर इधर रिवर्स में आ जाएगा, उसके लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर, फिर उसके बाद इधर लीवर रहता है, लीवर, फिर और लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस, बाइल जूस क्या है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में आया, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस होता है, आगे एब्जॉर्प्शन के लिए चला जाता है। ये यही क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है जो फूड रहता है उसका। क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, इसको इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ये है डिसेंडिंग। फिर उसके बाद रेक्टम, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, एंड लास्टली एनस। क्लियर, सी यू नेक्स्ट क्लास।